गुड मॉर्निंग। सो अब जैसा जैसा क्लियर होता जा रहा है कि नीट काउंसलिंग होगी और रीनीट नहीं होगा सब बच्चों के लिए अदर देन 1563 बच्चे, तो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोग बहुत प्यार देते हैं, कुछ हमारे से वन कॉल लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर शायद अपने दूसरे काउंसलर से काम कराते हैं जिसके साथ पहले से अटैच, तो कुछ लोग हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाते हैं। आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे वीडियोस पे कमेंट डाल डाल के कि सर इस नंबर पे क्या मिलेगा, उस नंबर पे क्या मिलेगा, और मैं आपको आंसर देता हूँ। आपको आंसर कैसे देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सवाल ना पूछने पड़े। क्योंकि कई बार देखिए हम बहुत बिजी हो जाते हैं तो भी आपको बुरा लगे कि आपके कॉमेंट्स के हम जवाब क्यों नहीं दे रहे सारे, ठीक है। और आप इस तरह ये भी समझिए कि हम जैसे काउंसलर्स कैसे ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं और जब आप किसी एजेंट के हाथ फंस जाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। देखिए जनरली जो भी ये काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, वो 10 साल से, 2 साल से, 5 साल से इस लाइन में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना एसेट, जो हमारे पास होता है अदर देन दी अकल, मैं अकल का जिक्र जरूर करूँगा, वो होता है कि आप पिछले 2-3 साल के कट ऑफ के ट्रेंड देखते हो और फिर थोड़ा सा अनुमान भी लगाते हो। अब वो अनुमान क्या है, तो जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखा रखी है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है और मैं आपको दो के बीच में ही चेंज करता रहूँगा। एक है क्योंकि तो सबसे बड़े कॉलेज प्राइवेट उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर मैं बार बार आपको कहता हूँ फ़ोन पे 31 कॉलेज हैं और डीम्ड एमसीसी के जो काउंसलिंग होती है इसमें 51 कॉलेज हैं। तो देखिए अगर हिंदुस्तान में 320 प्राइवेट कॉलेज हैं तो ये 51 जमा 31 ही 82 होगा। जो 82 82 ओपन है जिसमें कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है, जैसे हम जानते हैं ना यूपी में होता है और ना ही एमसीसी काउंसलिंग में होता है। बाकी जगह बहुत सारा स्टेट रिजर्वेशन होता है तो उसके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल्स बनती हैं कि राजस्थान की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए प्राइवेट अलग होगा, ओबीसी के लिए अलग होगा, एससीएसटी के लिए अलग होगा, वो सब एक्सेल्स हमारे पास हैं। और हमेशा मैं आपको अपने वीडियोस में कहता हूँ कि हमें स्कोर नहीं रैंक देखना होता है, राइट। क्योंकि देखिए सबसे पहले चीज़ समझिए, इंडिया में सीटें तो 1,10,000 है, ये चलो यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट ईयर का। अब ये शिरा मूर्ति में ये इसको हम कट ऑफ बोलते हैं, कट ऑफ का मतलब होता है कि सबसे कम नंबर पे यहाँ एडमिशन हुआ। और आपको मैं हमेशा समझाता हूँ कि यूपी में आप देख रहे हैं तो राउंड वन के बाद राउंड टू में एक्चुअली कट ऑफ बढ़ गई और मॉपअप तक हार्डली कोई सीटें बची थी काफ़ी कॉलेजेस में। इसे लॉजिक मैं आप लोग को हमेशा समझाता हूँ कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें राउंड वन में फ्री एग्जिट नहीं है। दैट मीन्स राउंड वन से पहले ही आप 2 लाख का डिपॉजिट देते हैं और आपको सीट अलोकेट होती है राउंड वन में और आप नहीं ज्वाइन करते तो आपके 2 लाख बच जाते हैं। ये बात सबको पता ही होती है धीरे धीरे। तो यूपी में राउंड वन में आप तभी चॉइस फिलिंग करते हो जब आपको वो सीट चाहिए, इसलिए यूपी एक मात्र स्टेट ऐसा है जिसमें तकरीबन 90% एडमिशन राउंड वन में हो जाती है और बची कुची सीटें। तो देखिए शिरा मूर्ति में जो लास्ट ईयर 2-4 सीटें बची होंगी वो तो 580 स्कोर पे चली गई थी राउंड टू में, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रैंक होती है और इस साल हमें पता है कि रैंक्स काफी गिर गई हैं। तो हम ये नहीं देखते कि शिरा मूर्ति 471 पे मिला था, हमें देखते हैं कि वो 1,40,000 रैंक पे खत्म हुआ था। तो आपको ये देखना होता है कि मेरी रैंक कितनी है। इस बार 1,40,000 रैंक 530 540 वाले की है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई शिरा मूर्ति है वो राउंड वन में 540 पे मिलेगा और राउंड टू में इसको शायद 600 पार हो जाएगा। इसी तरह यूपी की हम आपको 31 से 31 कॉलेज का बताते हैं। सरस्वती उन्नाव जिसको मैं थोड़ा सा मतलब मैं ऑफिशियली घटिया कॉलेज बोलता हूँ, वो लास्ट ईयर राउंड वन में काउंसलिंग में उसको मना कर दिया गया था पार्टिसिपेट करने से। फिर कुछ तो उसने एनएमसी से बात की होगी और राउंड टू में वो आया और वन ऑफ द लीस्ट मार्क्स 235 नंबर पे मिल गया था 5-6 लाख रैंक पे। मतलब ऐसा कॉलेज भी 6 लाख रैंक पे चला गया था। या राउंड वन की बात करें जो नया कॉलेज आया था एस के एस बथुरा, वो 6 लाख रैंक पे मिला था। तो इसको देख के हम ये आइडिया लगाते हैं कि भाई इस साल नए कॉलेज आने वाले हैं अगर, तो ये जो 6 लाख रैंक है ये शायद 6,50,000 7 लाख रैंक पे गिर जाएगी। और रैंक के हिसाब से ही मैं आपको आइडिया देता हूँ कि चलो भाई इस साल अगर आपके 280 से कम नंबर हैं क्योंकि तो 6 लाख रैंक या 6.5 लाख रैंक वहाँ पर आ रही है तो फिर आपको ये सस्ती वाली फीस नहीं मिलेगी। यूपी में 26 कॉलेज है ना जहाँ सारा पैकेज 70 लाख में हो जाता है और फिर ये 5 माइनॉरिटी कॉलेज हैं जिसमें माइनॉरिटी कट ऑफ अलग चलती है, नॉन माइनॉरिटी कट ऑफ अलग चलती है। तो वही आप देखेंगे कि करियर में अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपको लास्ट ईयर 9,60,000 रैंक पे भी एडमिशन हो गया था, FH आगरा में तो 11 लाख रैंक पे हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही हम आपको डीम्ड में दिखाते हैं जो एमसीसी काउंसलिंग है, सॉरी मुझे डीम्ड वर्ड नहीं बोलना चाहिए। कई बार मैंने आपको समझाया कि इंडिया में 320 में से 150 प्राइवेट कॉलेज डीम्ड ही है, लेकिन वो डीम्ड जिसमें कोई स्टेट का दखल नहीं है वो एमसीसी के अंडर आए थे और जिसको हम डे टू डे भाषा में डीम्ड बोलते हैं। अदरवाइज
राजस्थान की भी दो को छोड़ के सारी डीम्ड है, उत्तराखंड की सारी डीम्ड है, हरियाणा की 6 में से 3 डीम्ड है, सोलन की जो एकमात्र कॉलेज है वो सब डीम्ड ही है, लेकिन चूंकि उनमें स्टेट का दखल है, स्टेट का कोटा है, या स्टेट के बच्चों को कुछ किसी तरह का बेनिफिट दिया जाता है, तो उनकी काउंसलिंग स्टेट कराता है, एमसीसी नहीं कराती। तो देखिए, एक गीतम विशाखापट्टनम कॉलेज है जो 12 लाख रैंक पे ही मिल जाता है, तो आप में से कोई 160 180 वाला है और इस चिंता में है कि सीट ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है सीट नहीं मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को भी अब इंडिया में सीट है, प्रोवाइडेड आप किसी भी कोने में जाने को तैयार हैं। और मैं ये भी बोलूँगा, कोई भी फीस, ये गीतम हो गया या ये पुद्दुचेरी के जो चारों हैं, अरापड्डू, श्री लक्ष्मी नारायणा, ये सब तो आपको 1.25 करोड़ के पैकेज में मिल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आपको 2-2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कोर्स वही है कि किस क्वालिटी में आप जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं। तो मेरे को आपको दिखाने का 2 एक्सेल शीट का पर्पज सिर्फ यही था, यही एक्सेल शीट एमबीबीएस इंडिया के हर एक काउंसलर एजेंट के पास होती है। फर्क ये है कि हम आपसे 50,000 75,000 रुपये सर्विस चार्ज लेके एक्सेल शीट आपके सामने ओपन कर देते हैं, और जो एजेंट होते हैं आप उनको अप्रोच करेंगे, आपकी रैंक है 6 लाख, उसको मालूम है कि डीवाई पाटिल आपको मिल ही जाएगा पुणे वाला, वो कहेंगे पर बात ऐसे करते हम आपको दिला देंगे, और दिलाने के नाम पर आप हमको 5 लाख 4 लाख रुपए दे दीजिए। बस ये फर्क होता है कि किस तरीके से बात की जाती है। काम सारा मैंने आपको बोला 90% 95% सीट सब डायरेक्टली काउंसलिंग के थ्रू मिलती है, और थोड़ा बहुत जहाँ पर भी एनआरआई सीट है, मैनेजमेंट सीट बची है, वहीं पर होता है कि हम ये कोई भी काउंसलर कॉलेज में बात कर सकता है। आई होप कि ये सब क्लियर हुआ। अब एक और फैक्टर जो बीच बीच बात रह गई थी कि देखिए 12 लाख रैंक पे भी सीट मिल जाती है ना, लेकिन इंडिया में सीटें तो 1,10,000 हैं, तो 12 लाख रैंक पे सीट क्यों मिलती है? क्योंकि सरकारी के बाद, देखिए सरकारी में बार बार समझाता हूँ, इस फ्री 20,000 25,000 50,000 साल की फीस, एमबीबीएस एकमात्र कोर्स ऐसा है जिसमें ना प्राइवेट और सरकारी फीस में भयंकर फर्क है। आप बीबीए देखिए, बीटेक दीजिए, लॉ लीजिए, बीजीएमसी लीजिए, बीडीएस लीजिए, बीडीएस भी आप चाहेंगे तो सबसे सस्ते सस्ता आपको पैकेज मिल रहे हैं, 11-12 लाख रुपए में आपकी पूरी बीडीएस हो जाती है प्राइवेट कॉलेजों में, जिसमें एमबीबीएस की 1 साल की फीस भी नहीं जाती। तो एमबीबीएस में सरकारी हम इसलिए लेते हैं कि वो सस्ता पड़ता है, फ्री पड़ता है। अब हर बच्चा ले लेता है जिसको भी मिलेगा, फिर वही मध्य प्रदेश का मेधावी छात्र योजना जिसके अंदर आपको प्राइवेट भी फ्री मिल जाती है, या कर्नाटका के अंदर जो स्टेट डोमिसाइल की सीटें होती हैं 40% मेरिट, या बंगाल में, या बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, वो जो सीटें हैं जो सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी फीस पे हैं, वो भी कोई नहीं छोड़ता। पर उनके बाद तो लेट से सारी सरकारी और प्राइवेट में अगर रफली मैं आज बोलूँ, हमारे पास 55,000 सीटें हैं, 52,000, तो 52 में से अनदर 22,000 सीटें हैं जो वहाँ चली जाएंगी। अब जो 30,000 सीटें बचती हैं जिसमें इतने से हमें पूरी फीस पे करनी है, जिसमें मैंने कहा ना कि मोस्टली ये सीटें आती हैं गीतम की और सॉरी डीम्ड की और यूपी की, और इन इन 51 के 51 कॉलेज में मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, 85% सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, 15% होती है एनआरआई फर्स्ट ब्लड, बच्चे के सगे मम्मी पापा और या सगे चाचा ताऊ बुआ मौसी मामा या उनके बच्चे। और उसमें क्या होता है, कई कॉलेजेस की एनआरआई सीट फीस बहुत महंगी है, जिसमें अच्छे कंसल्टेंट्स आपके लिए नेगोशिएट करा देते हैं, लेकिन फर्स्ट ब्लड का जो रिलेशन है दैट इज नॉन नेगोशिएबल, उसके बिना आपका काम नहीं होगा, राइट? इन कॉलेजेस में मध्य प्रदेश और कर्नाटका के जो स्टेट कॉलेजेस हैं उसमें गार्जियन एनआरआई चल जाता है, मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका। फिर से उसी बात पे आते हैं, तो देखिए प्राइवेट में ये रहता है ना कि कई बच्चे छोड़ते हैं फिर एक बच्चा लेता है। एवरेज की बात करूं मैं तो जैसा मैंने कहा, सस्ती सीटें पूरी फीस की सीटें 30,000 है पूरे कर्नाटका में, पूरे इंडिया में 30 नहीं तो चलो 35,000 पकड़ लेते हैं, तो 30,000 ही बनेगी, क्योंकि तो डीम्ड में 10,000 हो जाएंगी, यूपी में आ जाएंगी 30 कॉलेजें 5,000 जो मैक्सिमम है, राजस्थान में चलो पूरी फीस आएगी तो अपन 35 या 40 पकड़ ले, 36 37 पकड़ लेते हैं। इन सीट के अलावा जो बाकी 80,000 सीटें हैं वो तो पहली 1 लाख रैंक पे खत्म हो गई, पर रफली बोल रहा हूँ, देखिए हर स्टेट का फर्क आएगा। फिर 12 लाख पे कॉलेज कैसे मिल रहा है? क्योंकि तो अगले 10 लाख बच्चों में से लोगों ने खाली 40,000 सीटें ली, दैट मीन्स रफली स्पीकिंग यू नो नॉट इवन 10% पीपल आर टेकिंग सीट, इट इज ओनली 4%, या मोटा मोटी बोलूँ मैं तो हर 25 में से एक बच्चा सीट लेता है और 24 बच्चे सीट छोड़ देते हैं, चाहे वो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या ड्रॉप करना चाह रहे हैं, मोस्टली तो फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते,
वरना हर बच्चा MBBS ही करना चाहता है जो भी नीट का पेपर में बैठता है। अब ये जो नंबर है ना, ये 2022 में बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। तो 22 को देख के 23 में लोगों को बहुत धोखा हुआ। मेरी अपनी अजम्पशन है कि 23 से 24 में मार्केट गर्म है, लोगों के जेब में पैसा उछल रहा है। तो ये जो लास्ट ईयर हर 25 में से 24 ने सीट छोड़ी थी, इस बार शायद वो रेशियो 1:20 हो जाए। दैट मीन्स अगर गीतम 1,20,000 रैंक 12 लाख रैंक पे मिला था, तो इससे शायद 11 लाख रैंक पे मिले। हमें इसको प्रोविजन करके चलना है। प्लस जस्ट क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, बट अगर नए नए कॉलेज खुल जाएंगे अगले 1 महीने में, तो उसका रिवर्स इफेक्ट होगा और शायद गीतम हमें 13 लाख रैंक पे मिल जाए। तो एक तरफ लोगों की जेब में पैसा है प्राइवेट की फीस देने के लिए, तो ये इस रैंक को और कम्पिटिटिव कर देगा। नए कॉलेज खोलेंगे तो नई सीटें आएंगी, तो रैंक को गिराएगा। तो इस समय कितने नए कॉलेज आएंगे, उसके हिसाब से शायद हम एग्जैक्ट अनुमान लगा पाएंगे कि गीतम या भारतीय विद्यापीठ या मुलाना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। राइट, राउंड 3 में जैसे कि हम जानते हैं, इन सभी कॉलेजों में जो NRI सीट्स होती है वो नॉर्मल सीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ में फ़र्क पड़ता है। तो ये सब जानकारी मैं आपको देना चाहता था ताकि आप धोखा ना खाएं, हमसे काम कराएं, किसी से भी काम काम कराएं। जैसा कि मैंने कहा, जेनुअन काम 50,000 से लेकर 1.5 लाख के पैकेज में हो जाता है। जो आपसे 4-5 लाख रुपए मांग रहा है, वो आपका बेवकूफ़ी बना रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसके लिए आपको उसको 5 लाख रुपए एजेंट को देने पड़े। हाँ, किसी कॉलेज के अंदर जाने हैं वो बात अलग है। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। काउंसलिंग अब स्टार्ट होने ही वाली है, 5 या 6 जुलाई को हो जाएगी, 8 जुलाई या मैक्सिमम 15 जुलाई। और भगवान करे आपको अपनी बेस्ट सीट मिले। नेपाल की इस समय भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैंने कई बार बोला है कि अब्रॉड में खाली एक नेपाल है जहाँ पर आपको उनका फॉर्म भरना पड़ता है, जिसकी भी लास्ट डेट 2 जुलाई है। सो अपन जून एंड पकड़ के चलते हैं। उसके अलावा आपको रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान कहीं भी जाना है, तो आप आराम से अगले महीने भी अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो ये मेरा मकसद था कि आपको बता दूं कि कैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये सीट मिलेगी, वो सीट मिलेगी। थोड़ा सा लास्ट ईयर की, और ये जो आपको 2 महीने से सीट दिखाई, ऐसे ही हमारे पास हर स्टेट की होती है और हर एक अच्छे काउंसलर के पास होनी चाहिए। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। फिर से हमारा नंबर आप जानते हैं, 9643362320। अगर आप हमसे काउंसलिंग लेना चाहें, फुल पैकेज हमसे बात करना चाहें, पर मैं आपको कई बार हमारे समझाता हूँ, हम फ्री ऑफ चार्ज बात भी नहीं करते। और शायद यही आपको दिखाएगा कि जो लोग हमसे 2,500 और 5,000 की मीटिंग करते हैं, फ़ोन कॉल 2,500, फेस टू फेस या जूम कॉल 5,000, देन वी डिसाइड कि आपका पैकेज क्या होगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, जिसकी पक्का सरकारी सीट आने वाली है या वो अपने होम स्टेट का प्राइवेट लेना चाहता है, किसी भी एक स्टेट का, उस हम 30,000 चार्ज करते हैं। 2 से 4 काउंसलिंग्स 50,000, 4 के ऊपर 75,000, और 1.5 लाख है जब आपके नंबर बहुत कम है, तो आपको हमें NRI पेपर बनवाने में हेल्प करनी है, ताकि आप मध्य प्रदेश की या राजस्थान की या डीम्ड की भी NRI सीट ले सकें, तो उनके पेपर्स वगैरह भी कोऑर्डिनेट करवाने में, हेल्प करवाने में, या तो हमारी फीस 1.5 लाख रुपये हो जाती है। ओके, बड़ा सिंपल लॉजिक है। इसी फीस का वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कॉल कीजिए हमें, अगर आप चार्जेस देने को तैयार हैं, नाराज मत होइए। जैसा कि हम कहते हैं कि हम पीछे नहीं पड़ते, और इस बात का गवाह ये है कि हर साल हमको, हम 100 के ऊपर क्लाइंट लेते भी नहीं हैं, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि सिंगल कॉल तो शायद हम 400 लोगों की भी करते हैं। कई बार लोग आते हैं किसी और के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मुझसे बस एक 10 मिनट की कॉल करके उन्हें पता चल जाता है कि दूसरे कंसल्टेंट एजेंट को क्या बोलना है। तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं, कोई इशू नहीं। हमारा तो मकसद ये है कि 400 लोगों को हम भला कर सकें। 100 से ऊपर का मैं फुल टाइम काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि MBBS इंडिया इज़ ए वेरी ट्रिकी वर्क, और जो नॉर्मल ऑफिस का स्टाफ होता है वो इसको हैंडल नहीं कर पाता। मैं हमेशा जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं समझाता हूँ कि MBBS अब्रॉड या हम जब और कई काम करते हैं, वेयर आई यूज़ माई स्टाफ टू डू AI कोटा फिलिंग, बिकॉज उसमें 370 कॉलेज भरने होते हैं चॉइस फिलिंग में। बट उसके अलावा 90% MBBS इंडिया का, चाहे वो काम करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, आपसे रेगुलर बात करनी हो, वो मैं डायरेक्टली करता हूँ। इसलिए मैं 100 के ऊपर क्लाइंट एंटरटेन नहीं करता फुल टाइम, और बीच बीच में फ़ोन कॉल्स ले लेते हैं वन टाइम वाली, और वो भी एक बार 100 क्लाइंट हो जाएंगे वेरी फ्रेंकली और काम चालू हो जाएगा, तो हम वो कॉल्स की भी ऑप्शन देना बंद कर देते हैं। फिर ये जो वीडियोस हैं यही आपको हेल्प करेंगे, और यही मेरा मकसद रहता है कि एटलीस्ट जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते या खुद काउंसलिंग कर रहे हैं, वो वीडियोज़ के माध्यम से खुद से या किसी भी सस्ते काउंसलर से वो काम करा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको बता सके कि कैसे काम कराना है। ओके, फिर से 9643362320।
आपका दिन शुभ हो। अगर हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें तो।